जब भी आप करंट की बात करते हैं तो एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि आईआर हो, फॉरेन पॉलिसी हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसमें कुछ रोज रोज कोई चीज बदलती रहती है, ऐसा नहीं होता। अब मान लो हमने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो एक एग्जाम्पल हमने दिया कि अभी आपने देखा होगा कि आर्बिट्रेशन एक्ट में थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अगर हम जीएस की बात करें तो आर्बिट्रेशन एक्ट 96 से चला रहा है, तो उसमें एक नया पॉइंट केवल जोड़ दिया गया है। तो आर्बिट्रेशन क्यों आया, आर्बिट्रेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमेशा रहेगा। तो जो कॉन्सेप्ट होता है कि गुड गवर्नेंस, उदारीकरण के कारण, वो चीजें नहीं बदलती। और न्याय स्पीडी हो, तो आर्बिट्रेशन का जो मूल पर्पज था पहले भी वही, आज भी वही है, उसमें दो तीन पॉइंट नहीं जुड़ गए। और मान लीजिए कि WTO एग्जामिनर पूछ लिया जाए कि चाइना और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट में, ट्रेड वॉर में WTO का भविष्य क्या होगा, तो पहले आपको WTO जानना चाहिए। भविष्य में बस उसी थ्योरेटिकल बेस पे करंट भी जुड़ता है। तो आपको हम याद दिला दें, IR में कुछ भी ऐसा बिल्कुल करंट अफेयर जैसा नहीं होता कि एकदम नई घटना हो रही है। IR हो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, 99% चीजें, 95% चीजें स्टैटिक होती हैं, 2-4% चीजें चेंज होती हैं, उसी को हम जोड़ लेते हैं। कोई भी करंट का विषय बताइए, मैं उसको थ्योरेटिकल बता के आपको बता दूंगा। आप कोई करंट का विषय बताइए। अभी देखो 15 फ्रेंड्स कमीशन पढ़ना भी ठीक नहीं, कि रिपोर्ट आई नहीं है, ठीक है। ऐसी बातों पर हम बीच में गेस नहीं करते कि क्या होना चाहिए। अब आपको देखेंगे, अगर 15 फ्रेंड्स कमीशन की रिपोर्ट आपको लगता है नई बात है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी, बस एक आधार देखेंगे उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या नहीं आते हैं। तो संघवाद में वित्त आयोग की भूमिका क्या है, स्टैटिक है। द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन फेडरल सिस्टम इज नॉट गोइंग टू चेंज डे बाई डे। वित्त आयोग की मूल भूमिका क्या है, संघ राज्य के बीच, राज्य राज्य के बीच मतभेद को विभाजन कम करना है, स्टैटिक है। अब वित्त आयोग में एक ही चीज होता है कि मान लीजिए कि एलोकेशन का बेस क्या बनाया जाए। कोई कह रहा है 2011 का आधार बना लिया जाए, कोई कह रहा है 1971 का, यहां पे चेंज हो सकता है। तो वित्त आयोग अब किस आधार पर अनुदान दे, गुड गवर्नेंस के आधार पे कि पॉपुलेशन पे। अभी 15 फाइनेंस कमीशन में केवल यही पार्ट हमारे लिए नया होगा। अब देखिए भी वो भी थोड़ा, हाँ फोन लेते जो उसको, अभी देखिए 10 बज जाएगा आने में। तो अब थोड़ा सा कई बार हो जाए तो सैटरडे वगैरह होता है तो लेट हो जाता है। देखो यही सिलेक्शन के बाद का आनंद है। राहुल इज वेरी सिंसियर, मैं भी जानता हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि टाइम दिया कभी लेट हो गया, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ कई बार हो जाता है। अब मेरे लिए कठिनाई है कि मैं आपको कैसे 1 घंटे तक रोकूं। पहली बार ऐसी दुविधा आई, फॉरेन पॉलिसी वाले भी आ गए और ये सब भी आ गए। मुझे लगता थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो उन्होंने समझाया 11 बजे, मैंने बताया था 9 से 11, तो उन्होंने सर लास्ट वाला समय सुन लिया 11। तो तब भी
बताइए मैं कैसे आपको झलाऊं। मैंने कहा ना मुझे फालतू बातें दोस्तों करनी आती नहीं, बहुत ज्यादा मैं इधर उधर बात कर नहीं पाता, तो आपने कुछ पूछा था करंट अफेयर्स का, यही मैंने बता दिया। दूसरी बात आपको याद दिला दें, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है पोल साइंस के बारे में। कई बच्चे बताते भी हैं कि पोल साइंस पढ़ोगे बहुत करंट पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पीटी का 3 साल पेपर उठाकर देख लो, अगर आपको वर्तमान देखने की आदत नहीं है तो आप फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम पे छोड़ दो, वास्तविकता ये है। वर्तमान में हर चीज आपको देखना पड़ेगा क्या चल रहा है अभी, लेकिन वर्तमान का मतलब है जब आपको बेसिक्स अच्छे आएंगे तभी आप वर्तमान को जोड़ पाओगे। जैसे आपने अनुच्छेद 20 सुना होगा, आज न्यूज में अनुच्छेद 20 के बारे में कोई चीज आपने पढ़ी? मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बता दूं, कोई भी न्यूज़पेपर आप मुझे लाइए, मैं न्यूज़पेपर आपको बता देता हूं कि अच्छा हिंदी में कोई बात है, न्यूज़पेपर कहीं पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता। मतलब मुझे जो भी न्यूज़पेपर मिलेगा तो मैं आपको पढ़ना बता दूंगा आपके लिए वो चीजें। पहला तो मतलब विषय बस मैं फिर कहा, पहले तो आप जो लोग न्यू बिगनर्स हैं उनको न्यूज़पेपर से मतलब ही नहीं, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर किसी साइट पे ना जाए, बस केवल बेसिक्स पहले स्ट्रांग करिए। अब मैं आपको बताऊं कि न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए, आपको वो सेंसिटिविटी नहीं होगी। जैसे खासतौर पर कुछ जगहों पे देखने में आप अपने आप को रोक नहीं पाते, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई जगह ऐसा देखता है कोई दिखे नहीं तो दिन खराब हो गया, और कुछ जगह होता है हर व्यक्ति में वही दिखता है, ऐसा क्यों होता है? लगाव है, सही बात है। आप याद रखिए दैट ह्यूमन साइकोलॉजी एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी वन, ये मानव मनोविज्ञान हर जगह लागू होता है। जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो मुझे तुरंत पॉलिटी आईआर की सारी खबर दिख जाती है, और आपको बता दें आपको तो ज्योग्राफी पढ़ते हैं साइंस से पढ़ते हैं, और न्यूज पढ़ के फिर बेसिक्स में जाइए, अच्छा साइंस के बारे में ये न्यूज निकले इसका बेसिक्स क्या है। रोज आप पेपर लिखेंगे आप देखेंगे यूपीएससी में क्या पूछा गया, दुनिया भर का हमने एनवायरमेंट याद कर लिया, उसने क्या पूछा सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का मूल काम क्या है बताओ, पर्यावरण कितनी समस्या है। तो पुरानी चीजें पढ़ के आप आईएएस के एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते, और आपको लगता है जो भी चीजें, और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है जो भी चीजें हम रटी रटाई पढ़ते हैं वो एक बेसिक काम आता है, उसके बाद आपको बहुत अलर्ट होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आज मैं जैसे मैं न्यूज़पेपर उठाया, संविधान को आप जाएंगे आर्टिकल 20, वैसे उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज मुझे दिखे तो उसे मुझे दिख जाएगा कि कैसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि आर्टिकल 20 में है कि नोबडी कैन बी कंपेल्ड टू बिकम विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 20 में। अब कल उच्चतम न्यायालय ने बड़ा इंटरेस्टिंग निर्णय दिया, कल उच्चतम न्यायालय ने बात कही कि ठीक है किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या वॉइस टेस्ट, मान लीजिए कि हमें किसी क्राइम को पकड़ने के लिए हमें उसका वॉइस टेस्ट करना है, फोन पे बात की, आजकल फोन पे चैटिंग खूब हो रही है, ऐसे मामले आ रहे हैं, तो वॉइस टेस्ट का मामला है तो आखिर हम कैसे पता चल पाएंगे किसकी वॉइस है, किसने बोला? इसके मामले में कल उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वॉइस टेस्ट को बाध्यकारी, यानी ये नहीं माना जाएगा कि उसको विवश किया गया अपने खिलाफ गवाही देने को। बाकी चीजें भी आप देखेंगे उसमें शामिल होती हैं, वॉइस टेस्ट को फ्री कर दिया, इसका मतलब आर्टिकल 20 का हमें पता है, तब हम समझ लेंगे हाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो उच्चतम न्यायालय एक नई बात कह दी। आप जरा देखिए, और फिर आप कहते हैं पढ़ने का जो नजरिया होता है, कई बार मैं किसी, इस बार एक स्टूडेंट थे कि पीटी पास कर लिया उन्होंने, इंग्लिश मीडियम से है पंजाब से है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई, उनका कि जब मैंने आपका वीडियो देखा कि किस तरीके से पॉलिटी पढ़ना चाहिए, अदरवाइज मैं तो पूरा आर्टिकल याद कर गया था, उसमें एक भी सवाल नहीं है। पेपर आप बार बार देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, और हमेशा ये मत पूछिए कि मिसकंसेप्शन के पीछे नहीं कि कोई ये बता रहा है कोई ये बता रहा है, भाई पेपर सबसे अच्छा प्रूफ है, सबसे अच्छा प्रूफ क्या है, क्वेश्चन पेपर। तो आप जब भी क्वेश्चन पेपर को देखते हैं आपको तुरंत पता चल जाएगा अच्छा नेचर ये जा रहा है। अब पूरा का पूरा आईएएस का पेपर आप देख लीजिए, पूरा हाईली अप्लाइड है। तो अब जैसे मान लीजिए कि न्यूज पेपर आप कैसे पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई कोई भी न्यूज पेपर देखिए, न्यूज पेपर डजेंट मैटर, हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, उससे मैटर नहीं करता। बस अब मान लीजिए कि हम इसको पहले फ्रंट ही पेज खोलेंगे, कोई भी न्यूज पेपर हो,
ओह माय गॉड, मतलब बीच को पेपर लेके कौन घूम रहा है? अब यह देखिए, अगर मान लीजिए कि मुझे ये बात, अगर आज के रूप में हेड पेपर ये न्यू अयोध्या पर 16 ने सुनवाई से फैसला होगा, अब जैसे मैंने 16 देखा तो मुझे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन का प्रोविजन क्या है, तो हमारे दिमाग में तुरंत 96 का आर्बिट्रेशन एक्ट याद होना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होती है, केस डिले क्यों होते हैं, पेंडिंग क्यों हो रहे हैं, इसका मतलब है हमारा ध्यान केवल हेडिंग पर नहीं होना चाहिए, उससे संबंध में हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है। अगर ये आपके पढ़ने की प्रवृत्ति होगी तो आप याद रखिए, आपका प्रीलिम्स कभी रुकने वाला नहीं है, मेंस कभी आप डिस्क्वालीफाई, जब आपको एकदम वही रटन, तो आप ये सोचोगे कोई सारा काम करके आपके लिए दे दे, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि काम करने वाला का देखिए, किसी फील्ड में जब आपका 10-15 साल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक आप किसी गाइड नहीं कर सकते। आपको किसी फील्ड में, जो भी अपने लोग बहुत एक्सलेंट पोजिशन में है, तो उन्होंने 15-20 साल उस फील्ड को दिया है, ऐसा नहीं होता कब तत्काल पढ़ के। तो अगर आप सोचोगे कि हम किसी साइड पे चले, ज्यादातर चीजों की वो चीजें आती नहीं, बस क्या करेंगे, न्यूज दे देंगे ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो आप किसी काम का नहीं है। तो अभी देखिए, ये आपके लिए हो सकता है आपके लिए करंट विषय हो, हमारे लिए करंट विषय नहीं होगा कि आर्बिट्रेशन क्यों लाया गया, क्या आर्बिट्रेशन क्या उपयोगिता है, क्या आर्बिट्रेशन के डिसीजन को उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है, आर्बिट्रेशन में अभी चेंज क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कोई मामले लंबित क्यों होते हैं, ये विश्लेषणात्मक अप्रोच है। तो पहला फायदा, अब देखिए दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि अब बड़े आतंकी हमले की आशंका, ये सब तो पॉलिटिकल न्यूज है, आशंका के आधार पर हम कभी नहीं जाते, उसको हमें देखना ही नहीं कि क्या आशंका है। पॉलिटिकल न्यूज हमारे लिए मंत्री ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, हमको पॉलिसी से मतलब है। हमको अब उच्चतम न्यायालय के डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का मामला पॉलिसी होगा, इकोनॉमिक इशू से होगा, तो सुप्रीम कोर्ट डील विद दीज इशूज। तो ये अब हाँ, अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में भारत फिसला, मान लीजिए कि आपको अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में भारत फिसला, तो सवाल है रैंकिंग देता कौन है, रैंकिंग के लिए इंस्टीट्यूशन कौन है। अगर आपने पेपर केवल देख के और उसको फिर ऐसे देख के रख दिया, पेपर पढ़ने कोई फायदा नहीं है। तो सामान्यतः जब इतनी बड़ी न्यूज है, आखिर में इकोनॉमिक रैंकिंग में इंडिया पीछे हटा, इकोनॉमिक न्यूज आपके दिमाग में होना चाहिए, रैंकिंग के क्या मतलब होते हैं, अगर रैंकिंग ऊपर हो जाए तो हमें फायदा क्या होगा, रैंकिंग देता कौन है, सबसे ऊपर की रैंकिंग कौन है, सबसे नीचे की रैंकिंग कौन है, ये दिमाग अगर आपके है तो आपको फिर कहीं ना कहीं चीजें एग्जाम में काम कर जाएंगे। आप याद रखिए, कोई भी एग्जाम आप पास करते हैं तो उसके लिए 2-3 महीने की मेहनत नहीं होती। ज्यादातर लोग ये बात हैरान हो जाएंगे, मेंस आईएएस मेंस लिखने वाले 80% लोग पिछली बार सिलेक्टेड होते हैं, ये सुन के हैरान हो जाएंगे। जितने भी लोग इस बार आईएएस मेंस लिख रहे हैं उसमें 80% लोगों का सिलेक्शन पहले हो चुका है, सर्विस और ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने पीटी पास कर लिया, और हम केवल फुल फ्लेश पढ़ने के लिए रुके, पीटी पास नहीं कर पा रहे। अप्रोच में कमी है, पढ़ने के तरीके में कमी है, भीड़ का पार्ट बनते हैं, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, उसी के पीछे दौड़े पड़े हुए हैं। और मैंने तो बस एक एक सा एग्जाम्पल देखा, जैसे कि हमारे ही स्टूडेंट ऐसा करते, कई बार तो हमारे स्टूडेंट नहीं मानते इस बात को। मैं जीएस में कई बार मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने मेरी पॉलिटी किताब है, मैंने कहा बच्चों को पढ़ लेना, तो बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं थे। इस बार पॉलिटी के क्वेश्चन पेपर को आप देखिएगा और हमारी बुक आप उठाइए, पॉलिटी के सारे सवाल उसमें से आए हुए हैं। लेकिन लोगों को मिसकंसेप्शन ऐसा था, ना सर ये मेंस के लिए लिखी गई किताब है। मैंने कहा तुम बताओगे मैं बताऊंगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब अप्रोच ही फॉल्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक बार जिसका पीटी पास हो जाता है उसका पीटी हमेशा पास होता रहता है, एक बार जिसका मेंस पास होता है इसका मतलब केवल मेहनत ही इस फील्ड में सफलता गारंटी नहीं है। राहुल अब खुद पूछ लीजिएगा, पीटी के बाद डिसाइड किया था हम पोल साइंस रखेंगे, और पोल साइंस रखने को उन्हें हर व्यक्ति ने मना किया। एक उनके जेएनयू के दोस्त थे जो मैथमेटिक्स इस बार इंटरव्यू दिया था, उन्होंने तक ने मना किया, अब उन्होंने इस बार पोल साइंस ले लिया है, हमारे यहां भैया थे 2-3 दिन पहले। आप एग्जाम्पल अब देखिए, डोंट बी द पार्ट ऑफ, एक बार अपना दिमाग तो लगाइए, आप क्वेश्चन पेपर देखिए, पीटी का पेपर कैसे आता है, पेपर पढ़ा कैसे जाता है। तो अब ये सब चीजें अगर आप करने की आदत है तो पीटी नहीं रुकेगा और मेंस में हमेशा अच्छा कर जाएंगे। अब मान लीजिए कि
इसलिए हमेशा रेफरेंस करिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक भारत बुक पढ़ते हैं आप, एक होता है टेक्स्ट, दूसरा होता है रेफरेंस। टेक्स्ट क्या है? एनसीईआरटी। टेक्स्ट क्या है? हर सेक्शन में एक एक बुक आपने लिया। रेफरेंस क्या है? भारत को रखिए। रेफरेंस क्या है? बेयर एक्ट। ये रेफरेंस है। जैसे उच्चतम न्यायालय ने जो कल निर्णय दिया तो उसके लिए 142 का रेफरेंस दिया, तो आपको टेक्स्ट बुक में जाना चाहिए कि अच्छा 142 के बारे में क्या प्रावधान है। यह है रेफरेंस। बेयर एक्ट को पढ़ना नहीं है। बेयर का मतलब केवल, एक्ट का मतलब जिसमें केवल एक्ट हो, वो पढ़ना नहीं है, उसको रेफरेंस लेना है। जैसे भारत, भारत क्या करते हैं लास्ट में, क्या करते हैं भारत का सारांश पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए, एक भी काम नहीं आएगा। शॉर्टकट ये तगर, सारांश पढ़ रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? सारांश नहीं। अब कोई न्यूज में निकला इस मंत्रालय ने निर्णय लिया, तो आप भारत पढ़ के देखिए, अच्छा अच्छा मंत्रालय क्या काम करता है। एनजीटी ने फैसला दिया, टेक्स्ट बुक देखिए, एनजीटी है क्या? ये अप्रोच होगा तो हम, मैंने बार बार आपको बता रहा हूं, पीटी कभी रुक नहीं रुकेगा, मेंस पास कर जाएंगे। वही लकीर का फकीर, आप सोचेंगे एक दो दो पेज में कुछ मटेरियल दे दे, उसको हम रट डाले और फिर आईएएस बन जाए, डाउट है इसमें। और अब 99% को देखिए क्या कर रहे हैं लोग। तीसरा एग्जाम्पल आपको बता दें तो फ्रंट पेज पहले आ जाएगा। अब मतलब उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता, इससे हमारा बहुत मतलब नहीं है, इमोशनली यू मे बी अटैच्ड, हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। कांग्रेस को झटका, झटका लगता रहे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाफिज सईद दाऊद भी अब हो सकेंगे आतंकवादी। हाँ, ये इशू इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनआईएम अमेंडमेंट आतंकवादी क्या है, आतंकवादी के लिए, अब इसमें आतंकवादी के लिए इंटरनेशनल प्रोविजन क्या है, सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ काम क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र क्या है, भारत की विधियां क्या है। अब यहां आपने उसका रेफरेंस देखा, हर न्यूज का रेफरेंस होता है। और आप देखेंगे एक दो महीने जब अच्छे से काम कर लेंगे तो आपको लगेगा बार बार वही रिपीट होकर न्यूज आ रही है। बार बार आपको करना नहीं पड़ता। जैसे मुझे आईआर देखना होता है, मैं एक नजर देखूंगा तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि ये अपडेट है। मैं जैसे देखा, जैसे आपने देखा होगा, दूसरी बात जो आपका सेकेंड पेज होता है वो कुछ काम का नहीं होता। मतलब सेकेंड पेज तो मतलब इसे, अब डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पतालों में मरीज भरोसे भगवान। मान लीजिए इसमें कोई पॉलिटी की न्यूज लाना हो तो कहां लाएंगे? डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। मान लीजिए मैं पॉलिटी का न्यूज पूछूं तब कहां से लाएंगे? आपको बता दें, हड़ताल करने का, अब चूंकि अनुच्छेद 19 है, हमारी डेमोक्रेसी है, तो अगर आप आर्टिकल 19 को रटने का प्रयास मत करिए, आर्टिकल 19 को इंप्लीमेंट करके देखिए। इस बार एग्जाम में क्या पूछा गया है? जीवन का अधिकार, विवाह करने का अधिकार कहां का है? और हम क्या लिखे हैं सर? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि उचित प्रक्रिया में अंतर बताओ। वी वॉन्ट टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट डजंट मैटर फॉर एग्जामिनर। आपने केसेस को अप्लाई किया, पहले तो पॉलिटी की न्यूज होनी चाहिए कि वी हैव अ राइट टू फॉर्म ए यूनियन एंड एसोसिएशन, आर्टिकल 19। संघ बनाने का अधिकार है, समूह बनाने का अधिकार है, हमें हड़ताल करने का अधिकार है, पहला। लेकिन सरकार को हड़ताल रोकने का भी अधिकार है क्या? ऐसा कोई फंडामेंटल राइट है या नहीं है? है या नहीं है? कौन सा? इसमें लगा देंगे तो किस फंडामेंटल राइट से आता है वो? आप याद रखिए आर्टिकल 23 के सेकेंड क्लॉज में कहा गया है, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, सार्वजनिक सेवाओं के लिए राज्य किसी अनिवार्य कानून का निर्माण कर सकता है। सार्वजनिक सेवाओं के लिए राज्य के द्वारा किसी अनिवार्य कानून का निर्माण किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत संसद ने बनाया है इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। तो आपको एक बार एस्मा के बारे में जानना चाहिए, भाई एस्मा क्या है? भाई अब कहेंगे कि अब आपके दिमाग में सर ऐसा आप रेफरेंस बता रहे हैं, फिर तो न्यूज पेपर पढ़ने में 4 घंटा ऐसे में लग जाएगा। नहीं, हाँ एक दो महीने हो सकता है इतना आपको टाइम देना पड़े, उसके बाद आपको जो बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो आपको बस एक नजर देखेंगे सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगे। आप कहते हैं कि न्यूज पेपर में 3 घंटे पहुंचता हूँ, मेरे लिए आधे घंटे लगते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मुझे मिल जाती है। तो आप देखेंगे हर न्यूज में कुछ ना कुछ बातें मिल जाती है काम की। अब तो
सेकंड थर्ड में बाकी बागी विधायक, मान लीजिए बागी विधायक तो एंटी डिफेक्शन एक्ट है, उसे उसको आप एंटी डिफेक्शन एक्ट से जोड़ सकते हैं। बाकी देखिए, अब अगर आप तीसरे पेज पे जाएंगे लिखा हुआ है, और आप बता दें आप, आपका तो और बड़ा काम होता है क्योंकि आप तो साइंस चेक पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मेरी नजर करो पॉलिटी आईआर पे होती है, तो जो भी न्यूज मुझे दिखेगी तुरंत उसी पे मेरी निगाह टिक जाती है। आपको भी निगाह टिकाना है, कैसे? अब देखिए, हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गठन पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई, तो सवाल है कि ट्रिब्यूनल होता क्या है, यानी ट्रिब्यूनल क्या है, कहाँ बना, संविधान में क्या प्रावधान है, हरियाणा में ही बन रहा है या पूरे हिंदुस्तान में है, इसके बारे में आपने सारी बात देख ली। ट्रिब्यूनल इज नथिंग न्यू, अधिकरण नया नहीं है, तो ये न्यूज अपने आप में आपको इंपॉर्टेंट बन जाएगी। अधिकरण नया नहीं है, लेकिन अब केवल आपने देखा हरियाणा में अधिकरण बन गया और फिर न्यूज का, फिर इस न्यूज का कोई महत्व तो नहीं होगा। तो आप देखिए, हर पेज में कोई ना कोई चीजें आपको मिल जाएंगी कि ये तो मध्यस्थता की बात हमने पहले बता दिया। और आपको हमें एडिटोरियल पढ़ना आपको बता दें, बाकी में तो कोई जम्मू कश्मीर के हाल पर नेका ने कल बुलाई बैठक, वैसे कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं, अब हमने कहा फिर क्योंकि ऐसी बातें ऑथेंटिक, तो कई लोग ऐसा मानते हैं हो सकता है जम्मू कश्मीर को यूटी बना दें श्रीनगर को, और जम्मू को अलग राज्य बना दें, लद्दाख कश्मीर दोनों को यूटी सरकार बना सकती है, और ऐसा कर दिया 35A 370 अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये अब अभी देखिए कंफर्म न्यूज नहीं है, कुछ लोग ऐसे अटकले लगा रहे हैं कि हो सकता है, तो अगर ये होगा तो मेजर चेंज होगा कि यूटी क्यों बना रही है, 370 क्या होता है, 35A क्या होता है, सारी बात हम पॉलिटिक पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि अब मान लीजिए कि ये आपका एडिटोरियल होता है, एडिटोरियल पढ़ने का लंबे समय फायदा होता है, तत्काल फायदा कम होता है, जैसे ऐसे लिखना है, विचार बनाना है, तो आपको संपादकीय पेज पढ़ने की आदत होनी चाहिए। संपादकीय में पहला तो मध्यस्थता की बात है, मैंने पहले आपको बता दिया है। अब आप देखेंगे तीन तलाक के कुप्रथा का अंत, मान लीजिए इतना बड़ा एडिटोरियल है, अब आपने पूरा पढ़ लिया, पेपर पढ़ने का ये तरीका नहीं है, मैं कहूंगा इसमें 5 पॉइंट आप निकालिए, आपने इसको पढ़ के क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस एंटायर आर्टिकल, ये पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका है। आपने एनसीईआरटी के पेज पढ़ा, नोट्स आपने पढ़ लिया, तो मैं कहूंगा 5 पॉइंट आप मुझे बताइए कि क्या, और फिर 5 पॉइंट पहले आप निकल के दिखाइए, दूसरा फिर मैं आपसे पूछूंगा जो लिखा गया उससे आप सहमत हैं असहमत हैं, फिर ये मैं आपसे पूछूंगा आर यू एग्री डिसएग्री, इसमें क्या आपका अपना व्यू है, इसका क्या लीगल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है, क्या वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तीन तलाक की प्रथा को खत्म करने की बात है या समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ने की बात है, इसकी आलोचना क्यों है, ये पेपर पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका है जिससे आपको फायदा मिलेगा। आपको देखिए फिर मैं बताता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं सर्विस में होते हैं और एक ही साल में एग्जाम पास करके चले जाते हैं, बहुत सारे लंबे समय से लगे हुए हैं, तो जो लंबे समय से लगे हुए हैं उनके पास दिमाग बिल्कुल कम नहीं है, दे आर वेरी मच, ईश्वर ने इस बात में कभी भेदभाव नहीं किया है। पता नहीं आजकल लोग कैसे आईक्यू वगैरह मानते नहीं, किसी पास इमोशनल आईक्यू ज्यादा होता है, किसी के पास अलग अलग आईक्यू ज्यादा होता है, आईक्यू को नापना बिल्कुल सही बात नहीं है, बस अर्थ है कि आपका कमिटमेंट कितना है, आपका कितना कमिटमेंट है किसी विषय में, और कितने हार्ड वर्किंग आप हैं, और कितने सही डायरेक्शन में हैं, दो तीन चीजें हैं, और कितने ऑप्टिमिस्ट आप हैं, आशावादी कितने हैं, ये सब चीजें आपके सफलता को डिटरमाइन करती हैं। अब हमने पूरा पढ़ लिया तीन तलाक, अब मैं कहूं कि अब जिस किसी ने पढ़ा है ये पूरी आर्टिकल, अब कोई नहीं बोलेगा, पढ़ा हुआ तो भी नहीं बोलेगा, अब किसी ने पढ़ा तो मुझे बताइए उससे 5 पॉइंट आपने क्या सीखा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं है, हाँ बताइए 5 पॉइंट व्हाट यू लर्न, बैठ के बताओ आपने पढ़ा है ये, अच्छा इंग्लिश में भी आता है कि, अच्छा द हिंदू पढ़ा था यही आर्टिकल आया था,
अच्छा क्या पॉइंट क्या सीखा द हिंदू टू, क्या सीखा आपने? यार आज का पेपर तो ये है हिंदू। अच्छा रिपीट हो रहा है और बताइए। हाँ ठीक है ठीक है। ये देखिए होगा आरंभिक रूप में होगा, इतना आसान नहीं है कि आप लगातार बता देंगे। और आपने देखा होगा कि आपने पहला ही पॉइंट फैक्ट से शुरू किया, कहानी शुरू किया कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, डजंट मैटर कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, इसेंस क्या है वो बताइए मुझे, आर्गुमेंट बेस क्या है। हमें कहानी नहीं सुननी है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं पता है हमें, आप बता दीजिए कि पांच पॉइंट। तो आप देखिए कभी भी किसी चीज को पढ़िए तो पेपर पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका ये है कि आप पांच छह पॉइंट कुछ भी चीज, पेपर पढ़िए, किताब पढ़िए, नोट्स पढ़िए, पांच पॉइंट आपने निकाल लिया। आप बार बार कहते हैं लिखने में कठिनाई आती है, कठिनाई लिखने में नहीं है, कठिनाई पढ़ने में है, वास्तविकता है। अच्छा ये बात मैं कहूंगा तो आपको थोड़ा सा ना ना, मैं बहुत विवेकशील व्यक्ति हूँ, आप ऐसे कह रहे हैं, हमारे पढ़ने में डिफेक्ट हो सकता है। हाँ माना, बहुत बुद्धिमान है, विवेकशील है, फिर भी थोड़ा सीखने की आवश्यकता है, ये कठिनाई होती है। इसे अचानक ऐसा नहीं कि आप उठेंगे एक बार पढ़ के पांच पॉइंट बता देंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, तब आपका ये पार्ट बन जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं अब दूसरा, अच्छा हिंदू को ही ले लें आज का, रैंकी द टेपरूट ऑफ कॉन्जर्वेशन जस्टिस। अब देखें इसमें क्या है, साइटिंग डाउन द फॉरेस्ट राइट एक्ट। इस बार पीटीएम पूछा गया था फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, पीटीएम में ही पूछा गया था, क्योंकि यही चर्चा में था वहां पे, झारखंड के मामले पे देखें, उस पे लेके देखें। तो अब सवाल सवाल है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, ट्राइबल्स राइट क्या है, कंजर्वेशन पर्यावरण कंजर्वेशन कैसे करते हैं। तो अपने आप में इन्वायरमेंट तो अपने आप में बड़ा इशू हो जाता है सबकी जानकारी। एनजीटी फॉरेस्ट एक्ट का क्या रिलेशन है, फॉरेस्ट क्या केवल एक्ट बनाकर हम चीजों को कंजर्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो पेपर पढ़ने का बड़ा ही वाइड डायमेंशन होता है। अब किसी भी, जैसे कि आप, हम दोनों पेपर से आपको बता दें, लास्ट में आप आओगे, अगर आप लास्ट में आ पाएंगे तो इकोनॉमिक न्यूज के बारे में तो मुझे बहुत आइडिया नहीं हो पाता, बेसिक ही। अब देखिए न्यायिक सुधार के लिए सत्याग्रह, ये किसी ने आर्टिकल पढ़ा, पूरा आर्टिकल आप पढ़ जाइए, आपको लीजिए किताब में लिखा होता है, ये सब बड़ी पुरानी बात है। पांच पॉइंट मुझे चाहिए, अपने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया मुझसे मतलब नहीं, आप मुझे पांच पॉइंट बता दीजिए। 150 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। कई बार आप देखते हैं कि हमें बड़ी बातें आती है, हम यही बता देंगे वो बता देंगे, वो सब नहीं चाहिए, पांच पॉइंट बताओ, मैं 150 शब्दों में लिख दूं, इतना ही चाहिए। और कई लोग आप देखेंगे आजकल तो 20 सवाल एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज है, 20 सवाल लिखना, पढ़ने के बाद तो बाद में छोड़ दीजिए। तो वो आपको शुरू से होना चाहिए। अच्छा इसे बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, चलो बड़े गंभीर काम, बहुत बड़ा कठिन काम है ना, गंभीरता से काम गड़बड़ हो जाएगा, कठिन काम है तो इसको आराम से देखिए। तो हर जगह आपको पॉइंट्स बनाने की आदत होनी चाहिए। अब जैसे कांग्रेस में गुटबाजी के बाद अब सिर्फ उठे, बोलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मोदी पर बढ़ रहा है भरोसा, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, भरोसा बढ़ ही रहा है। अगला देखें आर्थिक मंदी के साए में बीच सक्रिय सरकार। तो अब इकोनॉमी वाले सर आपको ज्यादा जीएसटी के झंझट को, जीएसटी क्या है, स्टार्टअप क्या है, इकोनॉमी में बहुत न्यूज, आर्थिक मंदी क्यों, आर्थिक मंदी आ रही है, कारण क्या है, पांच पॉइंट, निदान क्या है, पांच पॉइंट, भाई यही सब चीज जीएस में बात होती है। आपको सीधा मतलब हर चीज का एक रेडीमेड आपके पास, कश्मीर पर पाकिस्तान से होगी बात, ये बड़ी पुरानी बात है, इसको इसमें कोई नई बात नहीं, लगातार ही होती रहती है। विवादित द्वीप पर पहुंचे रूसी पीएम, जापान नाराज, तो निश्चित तौर पर
जापान रूस का रिलेशन इससे हम देख सकते हैं। और जापान रूस का रिलेशन अभी स्पोर्ट्स न्यूज में, स्पोर्ट्स न्यूज में मेंस में तो नहीं आता, पीटी में आता है सवाल, स्पोर्ट्स न्यूज का मेंस का पार्ट नहीं होता, फिर भी थोड़ी बात आप रखेंगे तो पीटी में पार्ट आ जाता है। अब मूल बनता है, देखिए इतनी बड़े बाघ सुरक्षा खोलेंगे चार वन्य जीव अंचल, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन से एनवायरमेंट से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि क्या एक्ट है, इसके बारे में क्या प्रॉब्लम है, क्या सारी चीजें हैं। अब ये न्यूज नहीं, अपने घर में बेघर बद्री केदार मंदिर समेत ये हमारे लिए नहीं है। ताजा आई बनवास कर कौशल विकास ठीक है, स्किल डेवलपमेंट को आप देख सकते हैं। लास्ट में आईआर की न्यूज नहीं है क्या इसमें? आईआर की न्यूज तो ही नहीं है। देखिए जबकि आईआर की एक बड़ी न्यूज है आज, देख मैं हिंदू में देखता हूं, मैंने कहा आईआर की और दूसरी बात न्यूज़पेपर आप पढ़िए, दैनिक जागरण का झुकाव थोड़ा सा राइटिस्ट है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से दैनिक जागरण पेपर ज्यादा अच्छा है, राइटिस्ट गवर्नमेंट है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में भी मैं कल पढ़ा था, नक्सलवाद का चैप्टर हटाया जा रहा है, ये थोड़ा सा राइट आर्गूमेंट बेस आपको उत्तर होना चाहिए, थोड़ा सा जो लेफ्ट का झुकाव होता था वो राइट में है, यद्य हर आर्गूमेंट बेस होना चाहिए। तो दैनिक जागरण पढ़ने का ही आपको फायदा रहेगा, हिंदू पढ़ने, हिंदू तो बहुत ही लेफ्टिस्ट पेपर है, हिंदू को पढ़िए उसके हिसाब से फिल्टर करिए, हिंदू पढ़ते पढ़ते आप सरकार विरोधी हो जाएंगे। तो आप में ये मेच्योरिटी होनी चाहिए, क्या हम स्वीकार करें क्या अस्वीकार कर दें। अब मान लीजिए कि आईआर की न्यूज में देखना चाहता हूं किसमें है कि नहीं, मैंने जो न्यूज़पेपर पढ़ा है आज का नहीं है क्या, आज का ही तो है। अच्छा फिल्मी मसाला कभी मनोरंजन के लिए पढ़ लिया करिए, मैं कभी कभी पढ़ता हूं उसमें। देखिए इसमें आईआर की न्यूज पहले में भी नहीं है। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आईआर की बड़ी न्यूज है, अब इस पेपर में नहीं दिया गया है, मैंने जो पढ़ा है आज, अमेरिका ने कहा है कि वो 1987 की जो ट्रीटी थी इंटरनेशनल न्यूक्लियर दैनिक जागरण में है, अच्छा वो इंटरनेशनल न्यूक्लियर रेंज फोर्स ट्रीटी 87 की है, जो कोल्ड वार के दौरान ये हुआ था कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं दे विल नॉट डिप्लॉय दैट। तो अब इसका मतलब है कोल्ड कैसे आर्म रेस पर फर्क पड़ेगा, वो ट्रीटी क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसका टारगेट क्या है, तो वो आईआर की न्यूज बड़ी बनती है। हमने एक एग्जांपल आपको बता दिया, यही तरीका एनसीईआरटी भी पढ़ने का है, एक चीज को बार बार पढ़िए, रिपीट करके पढ़िए। एनसीईआरटी में ये चीज होती है कि आपने पूरी पूरी किताब पढ़ ली तो उसमें एक पेज में कितने चार पॉइंट आपको मिले, की पॉइंट क्या है, की शब्द क्या है, अगर मैं हमने कोई शब्द पढ़ा तो हर शब्द का अलग अलग महत्व है, तो कितने की पॉइंट है, उन सब चीजों का महत्व आपके पास होना चाहिए। तो इन सब चीजों का आप एक ये हमने एक तरीका आपको बता दिया, और बताइए कुछ, कोई सवाल किसी ने पूछा है? किसी ने कहा है कि एक सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, किसी ने पूछा कि संवैधानिक सरकार क्या है, तो प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। अच्छा अभी तो पॉलिटी अपने पढ़ा ही नहीं है, जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है तो जवाब दे देंगे, जिन लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ा है, अब मतलब एक सवाल में पूछ रहा हूं, किसी ने ऑब्जेक्टिव एग्जाम का सवाल पूछा है, संवैधानिक सरकार है, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज, ऑप्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य की सत्ता के हित में प्रतिबंध लगाती है, प्लेसेज इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, क्या होगा सही है गलत है? संविधानवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होती है, संविधानवाद में राज्य को सीमित किया जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को, राज्य को सीमित किया जाएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाया जाएगा, पहला स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया। दूसरा है
places effective restriction on authority of the state in interest of individual liberty. सही है, सरकार की शक्तियों को सीमित की जाएगी, क्योंकि सरकार की शक्तियां सीमित, व्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित, व्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित, सेकेंड ऑप्शन सही है। वो संविधानवाद तो हम आपको बता भी देंगे, पॉलिटी वाले सेक्शन में पाएंगे, विस्तार से आपको बता देंगे। किसी ने कहा संडे क्लास 12 बजे नहीं देखे, संडे क्लास 10 ही बजे होगा, अब 12 बजे नहीं, चूंकि हमारी भी टेस्ट भी है, हमें कल टेस्ट रजिस्ट्रेशन भी करना है, मेंस वालों का टेस्ट भी होता है, तो इसलिए 10 ही बजे रहेगी। ओके, वो आईआर की रहेगी, थिंकर वाले मंडे को आएंगे। आरटीआई एक्ट में संशोधन पारदर्शिता कम करेगा या नहीं? अब देखिए, ये गवर्नेंस का इशू है, और सच पूछिए आरटीआई अगर इस एक्ट की बात करें तो हमने उसको बहुत फॉलो नहीं किया है, आप कहेंगे तो हम इसको एक बार देख के बता देंगे आपको, तो हमने उसको देखा नहीं अभी, तो हो गया आपका। और अच्छा, ये तो अच्छा थॉट का सवाल है कि किसी ने कहा वेस्टर्न थॉट, जो कॉल पॉपर का स्टेटमेंट था कि वेस्टर्न थॉट इज ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, नथिंग इज नॉन प्लेटोनिक, तो प्लेटोनिक क्या है? हमने पहले ही आपको बताया था कि व्हाट इज अ प्लेटोनिक, प्लेटोनिक क्या है, यानी प्लेटोनिक क्या है, सर्वाधिकारवाद, टोटलिटेरियनिज्म, फासिज्म, फासीवाद, ये हमें आगे पढ़ना है। प्लेटोनिक क्या है? दार्शनिक राजा का विचार, इसलिए लिबर्टी, राइट्स, स्वतंत्रता, अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार नहीं रहेंगे, एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ड्यूटी, ये नहीं रहेगा, ड्यूटी रहेगी। प्लेटोनिक विचार से निकलता है, प्लेटोनिक विचार से क्या है, स्टेट इज अ मॉरल, राजनैतिक है। तो कहा जाता है कि जो मार्क्सवाद निकला, जो हीगल का विचार निकला, जो फासिज्म निकला, दैट इज अ प्लेटोनिक इंपैक्ट इन द वेस्टर्न थॉट। लोग कहते हैं कि दो ही धाराएं तो हैं, एक प्लेटोनिक है, दूसरा प्लेटो के विरोध में है, और जो प्लेटो के विरोध में है वो क्या है, एरिस्टोटेलियन। तो हेगल, ये हमें हेगल तो नहीं पढ़ना है, मार्क्स पढ़ना है, हेगल, मार्क्स, ये सब प्लेटोनिक धारा को फॉलो करते हैं, क्योंकि राज्य को शक्तिशाली बनाने की बात कहीं ना कहीं में आ जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लेटोनिक थॉट है। और उसके बाद है एंटी प्लेटोनिक क्या है, एरिस्टोटल, अरस्तुवादी चिंतन है। एंटी प्लेटोनिक क्या है, अरस्तुवादी है, उसमें क्या है फिर, संविधान का शासन, उदारवाद, ये पूरा उदारवाद किससे प्रभावित है, संविधानवाद, उदारवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, संवैधानिक शासन, ये सब किसका फॉर्मूला है, एरिस्टोटेलियन। इट्स ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, नथिंग इज नॉन प्लेटोनिक, ये कॉल पॉपर ने कहा है, तो ये आधार है उसका। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपका थर्ड टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। अब चूंकि मुझे यही सब बातें करनी है, एक मैं आपको टेस्ट देता हूं, टेस्ट टेस्ट ये है, कॉपी किताब निकालिए, कुछ ऐसी क्लास लेता हूं जो मैंने कभी नहीं किया, तो कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूं आपके, चूंकि अब हम ही बोलते जाएंगे तो आप बोर होंगे, इसे आपको भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तब आपका ध्यान थोड़ा लगेगा। क्या क्या करें क्लास, देखिए अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई टॉपर आता है तो ऐसा नहीं है कि टॉपर ने से एक मोटिवेशन मिलता है पहला, और आपको राहुल के बारे में भी बता दें कि वो एसडीएम, जब रतलामा भी एसडीएम थे इसके पहले, वो वहां बच्चों को पढ़ाई करते थे, पूरी आईएएस जो वहां का डीएम था, एसपी था, सब लोग मिलके गरीब बच्चों को पढ़ाते थे वहां,
तब तक उनका ट्रेनिंग, फिर सेकेंड फेज की ट्रेनिंग शुरू हो गई, उधर चले आए। उनका ये भी टारगेट है कि लंबे समय में वो एमपी में एमपी का सिलेक्शन बढ़ाया जाए, उसमें हमारे भी इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। तो ही इज वेरी कमिटेड पर्सन, बहुत ईमानदार, मतलब हमने बहुत कम लोगों को देखा है सिलेक्शन के बाद इतने ईमानदार। इस हम देखो, राहुल को मैंने बार बार बुलाया है, ही इज वेरी विलिंग टू कम। और हम आपको बार बार एक ही बात हम रिपीट करके बताते हैं, कहते हैं देखिए राहुल जैसे लोगों को आपने मुखर्जी नगर में कभी किसी कोचिंग में नहीं देखा होगा, कहीं फोटोग्राफ नहीं देखा होगा, कोचिंग नहीं देखा होगा। इसका मतलब आप उनकी ऑनेस्टी की बात इसी बात से कल्पना कर सकते हैं। ही इज वेरी कमिटेड टू, मतलब खासतौर पर जब हम बताते हैं भाई कि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत खराब स्थिति में है, रियलिटी ये है, और हम क्या सोचते हैं व्यवस्था खराब है, हमें उल्टा समझा दिया गया है। हमें समझाना चाहिए कि आप अपने आप को एम्पावर करो, लेकिन हमने क्या, आज टीचर पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा है, जब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हु इज ब्लेम, दोष किसको दिया जाए, व्यवस्था को। सबसे बता भाई यूपीएससी हिंदी मीडियम के प्रति तलवार लेके बैठी हुई है कि हिंदी मीडियम से आओगे तो कार्ड दिए जाओगे, नहीं, दिस इज सीरियस मिसकंसेप्शन। तो आपको याद दिला दे, ये केवल भटकाने का तरीका है, एक ही तरीका, आप अपने आप को एम्पावर करो। मैं बार बार ही बात करता हूँ कि इंग्लिश मीडियम का फर्क नहीं है, आप कभी देखिएगा इंग्लिश मीडियम से जो एग्जाम में अपेयर हो रहा है कौन है, IITian है, एम्स का स्टूडेंट है, वो पहले से 100 कदम आगे है, अच्छे स्कूल से आया हुआ है। इसे कॉम्पिटिशन करिए, अपने आप को कैपेबल बनाइए, नेगेटिव है उससे काम मत करिए, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसे मीडियम के कारण कोई भेदभाव नहीं होता। मैं तो एक ऐसे प्रोफेसर को, मैं कई बार मैंने सोचा जब सीज बिकॉज यूपीएससी में है, वो उन्होंने तो बाकायदा कहा था कि हिंदी के बच्चों को हम थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं, हमें पता है कि वो खराब बैकग्राउंड से आ रहे हैं, थोड़ा सा हम उनके प्रति लीनियंट होते हैं वास्तविकता। और एक बात याद रखिए, हमारे यूपीएससी जैसे आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय में महिला जज होते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी, यूपीएससी की इंटरनल पॉलिसी देखिए, वो गाँव गरीब के बच्चों को लेना चाहती है, ये उनकी इंटरनल पॉलिसी है। इसे कई बार पेपर बहुत सरल दिया जाएगा, पेपर ऐसा दिया गया जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट सब की बजाय जो बेसिक पढ़ गए उनका फायदा हो। इसलिए आप देखेंगे हमारी क्लास थोड़ा लंबी चल जाती है, हम शॉर्टकट नहीं अपनाते। इसे कितना भी आपको उसे बाहर सवाल आपको नहीं आएगा, भाई थोड़ा लंबा हो जाए ठीक है। कोचिंग का मतलब क्या है, औने पौने में सिलेबस आप पूरा कर देंगे। यूपीएससी की पॉलिसी ये है, और हमें क्या लगता है कि यूपीएससी हमारे ऊपर तलवार लेकर बैठी है, यूपीएससी की पॉलिसी जस्ट अपोजिट है। गांव से बच्चे हैं, जो बच्चे कोचिंग ना कर रहे हैं वो आए, ये यूपीएससी की पॉलिसी है, उसके जो मेंबर हैं कमेटी के लोग वही बताते हैं। और आपने निगेटिव, नहीं मीडियम से ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, गलत धारणा बैठा दी गई बच्चों में, उससे क्या बच्चे एकदम कन्फ्यूज प्रिजुडिस के शिकार, एकदम से सही बात उनको पता ही नहीं है। और जो पहले से नकारात्मक दृष्टिकोण है फिर तो आधी लड़ाई तो ही खत्म हो गई इसकी। इसे कोई राहुल साहब मिलेगा तो भाई की मोटिवेशन मिलता है, एनी बडी कैन डू। हाँ अब टास्क लिखिए, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, सबके पास पेन पेपर है, कॉपी पेपर है, हाँ लिखिए। कुछ ऐसी बात मैं बताऊंगा जो आप सब लोग लिख लेंगे, उसमें विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपकी लेखन क्षमता चेक करूंगा, और मैं किसी से को उठा लूंगा भाई आपने क्या लिखा मुझे बताइए, मैं किसी कॉपी ले लूंगा कि आपने क्या लिखा मुझे बताइए। मैं आपकी एक सामान्य बुद्धि चेक करना चाहता हूं कि आपकी क्षमता कैसी है, और जो जो खराब लिखेगा मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जो अच्छा लिखेगा मैं बता दूंगा, जिससे किसी को ये ना हो कि जिसने खराब लिखा अगली बार अच्छा लिख लेगा। लिखिए, आप भारत के प्रधानमंत्री होंगे तो आपकी पहली 10 प्राथमिकताएं क्या होंगी, व्हाट इज योर मेजर प्रायोरिटीज इन केस यू बिकम द पीएम ऑफ इंडिया। आप अगर भारत के प्रधानमंत्री होंगे तो आपकी पहली 10 प्राथमिकताएं क्या होंगी,
ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपके सपनों का भारत कैसा होगा, आपके सपनों का भारत कैसा होगा। दस दस पॉइंट आप मुझे कुल बता दीजिए। व्हाट शुड बी इंडिया, व्हाट शुड बी इंडिया, व्हाट शुड बी इंडिया और व्हाट शुड बी फ्यूचर इंडिया अकॉर्डिंग टू योर विजन और अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम। व्हाट काइंड ऑफ इंडिया यू वांट टू मेक अकॉर्डिंग, व्हाट इज योर ड्रीम अबाउट फ्यूचर इंडिया। दोनों ऑप्शन है, मुझे 10 पॉइंट आप लिख के बताइए, 10 पॉइंट आप लिखिए। विस्तार नहीं चाहिए केवल, मुझे 10 पॉइंट चाहिए। लिख लिया आपने, ये तो आपको डिसाइड करना है। अब लिखो, हमें बताओ मत, हम आपके देखेंगे केवल। कोई भी एक लिखिए। अच्छा, एक बात आपको याद दिला दें, देखिए अब कई बार ऐसी चीज, देखिए यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में कभी सेमिनार्स होते हैं, कभी कॉन्फ्रेंस होते हैं, उससे विचार बढ़ता है।
और हमारी एक व्यवस्था होती है कि हम केवल सिलेबस के हिसाब से काम करते हैं, तो कई बार ये लिमिटेशन कि हमारे पास समय कम होता है तो हमें तो सिलेबस टारगेट होता है, ये सब एक्टिविटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और मैं बताऊंगा क्यों, ये लिखने के लिए कितने काम की चीज़ है, आपका वैचारिक क्षमता बढ़े इसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, मैं बताऊंगा अभी इसका इम्पोर्टेंस आपको। किसने लिख लिया तो पेपर मुझे आगे दे दीजिए, इसने भी लिखा हो। अपना नाम भी आप लिखिएगा। चलिए एक अभी दे दीजिए, बाकी पांच ही लिखा, मैं 10 लिखने को बोला था। अब ये देखो, ये बावर अपन है, इतना जल्दबाजी क्या है। इसलिए पहला लाइफ में पेशेंस, इसे क्या लेसन लिखा, पेशेंस। 10 पॉइंट है, 5 पॉइंट कैसे दे, पिछले पेज को यूज करो। सभी लिख लिया। अच्छा, अब आप पेपर अपने पास रखिए और जो भी पास रखिए मैं आपको बताता, सब लिख लेते तो मैं बताता हूँ। सब लोगों लिख लिया या 2 मिनट है, आप लिख लीजिए इनके पास में। अभी अब सब अपने पास रखिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सब लोगों लिख लिया, अपने पास रखिए। देखिए जो 2-3 चीजें मुझे मिली हैं उसमें मैं करेक्शन करना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने क्या लिखा, इंपॉर्टेंट ये है कैसे लिखा, मैं ये लिखना चाहता था। और कैसे नई चीज है इसको लिखते हैं आप, देखिए लिखने का पहले से मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि मुझे अपने सपनों का भारत बनाना है या प्रधानमंत्री मुझे बनना है, तो पहला मैं क्या करूंगा, आई विल डिवाइड टास्क क्लासिफिकेशन। अब देखिए पहला, व्हाट शुड बी आवर सोशल गोल, व्हाट शुड बी आवर पॉलिटिकल गोल, व्हाट शुड बी आवर इकोनॉमिक गोल, व्हाट शुड बी आवर सिक्योरिटी गोल। यानी बहुत ध्यान देने की बात है कि आप देखेंगे क्या इस क्रम में किसी ने लिखा, सवाल ये नहीं पॉइंट वाइज, सवाल ये है हाउ यू क्लासिफाई दैट। देखिए बात लिखने में बड़ी सीधी सी होती है, लेकिन अब पॉइंट वाइज आपने लिख दिया पहला, किसी ने केवल एक एक लाइन लाइन लिख दिया, ये कम्युनिकेशन कम होगी। देखिए बात बड़ी सीधी सी है, यही आपके राइटिंग आर्ट है, क्योंकि इस चीज को कैसे छोटी सी दिखने वाली चीज में आप कैसे दूसरे एज ले सकते हैं। इसमें तो ऐसा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका राइटिंग स्किल मैटर करता है पहली बार। दूसरा, आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता में ये भी लिख सकता था, प्राथमिकता में ये भी लिख सकता था, लेकिन आप देखेंगे भारत के प्रियम्बल में पहली प्राथमिकता क्या है, जस्टिस न्याय। इस याद रखिए, बींग ए सिविल सर्वेंट आपकी प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए, भाई हमारी पहली प्राथमिकता क्या है, शिक्षा और सोशल में मर्जी लिख दीजिए, सोशल गोल है। पॉलिटिकल गोल क्या है, कैसे करप्शन को ठीक किया जाए, कैसे डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जनता की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए, पंचायती राज, विमेंस रिजर्वेशन, पॉलिटिकल गोल है। इकोनॉमिक गोल क्या है, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट, या सभी के लिए आवास, रोजगार, दैट इज दैट में भी इकोनॉमिक गोल। और ये क्या है, सिक्योरिटी, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, कश्मीर है, पाकिस्तान है, आतंकवाद है, सिक्योरिटी। छोटा सा उत्तर दिखने वाला, देखिए इसीलिए हमने क्या किया, अभी इसी बात को हमने कहा कि न्यूज़पेपर पढ़िए, 5 पॉइंट में हमें क्लासिफाई करिए, यही तो मतलब है कि आपके सपनों का भारत कैसे होगा।
जो मेरे पास आए वो इस फॉर्म में नहीं है, जो मेरे पास आए वो इस फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब है आप देखने के बड़ी छोटी सी बात लगी लेकिन उसमें भी आपने कुछ सीख लिया। कोई भी चीज आप पढ़िए इस तरीके से कन्वर्ट कर दीजिए। दूसरा, अब एक दूसरा मैं आपको टास्क दूं, इसे थोड़ा सा मैं बदल के टास्क दूंगा। दूसरा टास्क दूं, तैयार है कि नहीं? अच्छा, ये इससे इससे कुछ फायदा हुआ है नहीं फायदा हुआ? भाई कई कई बार ऐसा लगता है देखने में बड़ी छोटी चीजें लेकिन हर चीज से आप कोई ना कुछ सीख सकते हैं। और इसलिए आप देखेंगे चाहे प्लेटो लिखिए, फॉरेन पॉलिसी लिखिए, क्लासीफाई होना जरूरी है। हर लिखने का तरीका एक ही में इतना अलग होता है। जीएस को उत्तर लिखिए, अब सब में छोटे पैराग्राफ लिखिए, छोटे सेंटेंस लिखिए, देखने में बातें बड़ी छोटी लगती है लेकिन हो नहीं पता उत्तर में। तो बी क्लासीफाइड, बी क्लियर, लाइन लाइन के बीच अंतर रहे, स्पेस आप अच्छे देते जाइए तो निश्चित तौर पर इसका फर्क ज्यादा पड़ता है। अगला टास्क आपको दे रहे हैं, बताइए। हाँ, इसमें आप भाई आजकल तो इकोनॉमिक मामला है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप अर्थव्यवस्था में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपना दीजिए पर्यावरण को। और यहां पे क्या है, इनक्लूसिव डेवलपमेंट, इनक्लूसिव सस्टेनेबल में सारी बातें आ जाती हैं। इनमें हम दरी कर लेंगे या उसका एक अगला भी लिख सकते हैं। अब हम आपको अगला टास्क देंगे जो आप सब जानते हैं, जो आप सब जानते हैं, और मैं ये चेक करूंगा कि आपने इसको कैसे रीफ्रेम किया, कैसे रीफ्रेम किया। लिखिए अगला, अगला प्रश्न आप लिखिए। अगला देखिए, अपनी विशेषता बताइए पांच लाइन में, आप हैं क्या। पहला, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अ फाइव लाइन्स। पांच लाइन में अपनी विशेषता बताइए कि आप क्या हैं। पहला, आप क्या हैं बताइए, पांच पॉइंट मुझे लिख के दीजिए सर, मैं समझ जाऊं आप क्या हैं। क्या लिखा आपने? नहीं नहीं पर लिखो तो। अब देखो बावर अपन यही है, हम टास्क दे रहे हैं तो हमें ही बता रहे हैं। पहले लिखो कि आप क्या हैं, आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को कि आप हैं क्या। लिखिए मैं बताइए मैं। बताइए अब देखिए, दो आंसर मेरे पास आए हैं। देखिए इसी दो में बात देखने बड़ी छोटी सी है। दो आंसर मेरे पास आए हैं कि अगर हम आपसे पूछें कि आप क्या हैं, और एक बात याद रखिए, आईएएस एक इंटरव्यू में हमेशा पूछा था अपने आप को बताइए आप हैं क्या। हम जब इंडिया के प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं कि व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी बाद में, आपकी फिलोसफी क्या है।
आपकी फिलॉसफी मुझे कैसे पता चलती है? व्हाट्सएप पे स्टेटस देख के, कई बार मैं जो व्हाट्सएप पे स्टेटस किसी के देखता हूँ तो कहते हैं कई लोगों की फिलॉसफी क्या है, जीवन के गम को धुएं में उड़ाता चला गया, फिलॉसफी। तो मैं समझ पाता हूँ कि अच्छा व्यक्ति ऐसा होगा। किसी लिखा है लाइफ इज रेस, जो पिछड़ गया वो मर गया, प्रोफेसर वायरस किसी। अब देखिए दो आंसर मेरे पास आए हैं, आप किसको आप प्रिफर करेंगे जरा देखिए। जब मैंने पूछा कि आप अपनी विशेषता बताइए तो किसी व्यक्ति ने कहा मैं मानव हूं, मैं नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि व्यक्ति का मामला नहीं है इसको, आप अदरवाइज में इसे ये नहीं किसने दिया है, मैं मानव हूं तो इसमें डाउट था क्या मुझे। अच्छा दूसरी बात है, शिक्षित व्यक्ति हूं, भारत का नागरिक हूं, राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। दूसरा आंसर सुनिए, अ गुड ह्यूमन बींग, अच्छा सद्गुणी मानव। दोनों में कौन इंप्रेसिव ज्यादा बात लगती है? मानव तो हम पैदा ही हुए हैं, लेकिन हम पैदाइशी अच्छे थे या अच्छा बनना चाहिए? दूसरा देखिए, दूसरा लिखा गया है डेयरिंग, साहसी, मानव विशेषता है। अगर कोई अपने आप को बताता है मतलब अक्षय कुमार से प्रभावित प्रतीत होती है कोई भी हो गया, डेयरिंग खतरों खिलाड़ी। और भाई यूपीएससी के एग्जाम देना डेयरिंग काम है, जवानी को बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि एक बार अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आपको ही साइकिल चल जाता है, एक बार अटेम्प्ट लिया, दो अटेम्प्ट लिया। कहने को तो लोग कहते हैं कि हम एक ही अटेम्प्ट के लिए आए थे, लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता कोई छोड़ता नहीं है, और डेयरिंग ही है, शादी को अपने रोक रखा है, डेयरिंग है। जीवन की सुख सुविधाएं इस युवा में खोपचे में रह रहे हैं, डेयरिंग है ये। सच मानिए लाइफ में आपने पेशेंस रखा हुआ है, तीन चार कोई इंजीनियर है, कोई पढ़ के आया है, नौकरी छोड़ रखी है, कोई जॉब में है, इट्स डेयरिंग। डेयरिंग कई प्रकार के होते हैं। अब आप देखिए क्या लिखा है, इमोशनल, मानव की बड़ी विशेषता है। हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई वर्क। अब बताइए ये मानव होने का ज्यादा अच्छा परिभाषा है या राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये मानव होने की परिभाषा ज्यादा अच्छा है? ये वाला बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन इससे मैं किसी व्यक्ति के बारे में समझ पाता हूं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसे अब देखे अपने को, और किसी ने लिखा है अच्छा किसी ने सबको साथ लेके चलना, अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है ये भी। अब देखिए पर्सनालिटी कैसे डिफरेंस आता है, जीवन को देखने का नजरिया, फिलॉसफी सबकी एक जैसी नहीं होती, ये सबका साथ, अच्छी बात है, हमेशा सीखने की ललक, दैट इज भावुकता की कमी, मतलब युवावस्था में ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी साइन है, भावुकता कमी है, एक सहनशील इंसान है, विनम्र स्वभाव, तो अच्छी बात है। जिसने भी परिचय अपना दिया है, बस एक लास्ट हमको देख लें, सकारात्मक सोच, एकदम से इमोशनल नहीं होता हूं, मैं किसी भी बात की जड़ तक पहुंचना रह गया। आप एनआईए के एजेंट हैं, व्यक्ति हैं, कमाल की बात। अब देखिए इसी में घुसने लगे, ज्यादा ज्यादा बुद्धिमानी नहीं लिखे, कई लोग इसलिए आंसर नहीं लिख पाते, बिला वजह घुसने लग रहे हैं, अरे 150 शब्द में सीधी बात करनी है, एनआईए के एजेंट बन गए यार तुम, कि मैं किसी बात की जड़ तक पहुंचकर उसकी पड़ताल करना पसंद करता हूं। मैं जानता हूं मेरी कमजोरी क्या है, मैं हमेशा अंपायर की भूमिका ये तो अच्छी बात है, कमजोरी क्या है अच्छी बात है आप जानते हैं, लेकिन वो जड़ तक वाला जो मामला है, मतलब वो तो इन्वेस्टिगेशन आपको, अच्छी बात है अधिक सकारात्मक दृश्य, धैर्य, सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेट करना, अब हो गया, मतलब अब मुझे मत दिखाइए। एक एग्जांपल मैंने बता दिया कि जब कहा जाए तक अपने बारे में परिचय करिए तो उसको भी हम टू द पॉइंट पांच ही हम लिख सकते हैं, देखने में बड़ी छोटी बात है, कई बार अचानक पूछ दिया जाए उसका जवाब नहीं आ पाते कि आप क्या है, आपका जीवन उद्देश्य क्या है, आपकी खामियां क्या है, आपकी छाइयां क्या है देखने में। और आप इधर ऐसे अगर थॉट आपका डेवलप होने लगे किसी भी एज से को आप अच्छा लिख लेंगे। अब मैं आपको ऐसे बताता हूं, लिखिए, कहीं मैंने ऐसे नहीं बताया, अब मैं कैसे बताता हूं, लिखा क्या ज्यादा, लिखिए
लास्ट, तब तक राहुल आ ही जाएंगे, बस लास्ट है, बस अभी 10 मिनट पहुंच जाए ना, तो अब कई बार लेट हो जाता है ऐसा। अब मुझे मेरे सामने बड़ी डिलेमा में, कहीं क्लास में आऊं कि ना आऊं, तो मुझे लगा भाई आप मुझे क्षमा करिए अगर मैंने आपको आज झेलाया तो, लेकिन अब क्या करें, आपको बुला के वापस भेजना भी ठीक नहीं है, तो बस 10 मिनट में वहां जा रहे हैं मैं, तो जितना आप बात कर लें कर लीजिएगा। वैसे 11 बजे से आप लोगों क्लास है क्या? तो आप देख लीजिए, एक क्लास बंद कर सकते हैं, राहुल से क्लास बंद किया जा सकता है, मतलब हमने कहा आप अगर सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप। और एक व्यक्ति से हमने फिर कहा कि एक व्यक्ति से आप सीख सकते हैं, कैसे कोई व्यक्ति एग्जाम में अच्छा कर सकता है, बाकी तो आपकी मर्जी, आप डिसीजन लीजिए। एक निबंध लिखिए, सिंपल सा टॉपिक मैं आपको दूंगा, बहुत फिलोसफिकल नहीं दूंगा, और मैं जानना चाहता हूं कि आप निबंध में कैसे विषय को, कैसे चीजों को अलग अलग करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, शायद इससे कोई इजीएस्ट टॉपिक आपको होगा। पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरणीय संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बस इतना ही निबंध लिखना है। इसी पर निबंध आप कैसे लिखेंगे मुझे बस 5 पॉइंट बता दीजिए, 10 पॉइंट बता दीजिए, मैक्स कम से कम 5, अधिक से अधिक 10, कैसे शुरुआत करेंगे, क्या क्या लिखेंगे आप मुझे बता दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने निबंध लिख लिया। एक ऐसा विषय जिसको रोज रोज आप सुनते होंगे, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरणीय संरक्षण, पर्यावरणीय संरक्षण या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बताइए कैसे आप लिखेंगे। आप लिखना लिख लिया, मतलब जो भी 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं बताइए मुझे। हो गया आपका?
अब देखिए मैं कैसे चीजों को, अच्छा बताइए, अब देखिए मैं कैसे आपको आपको बता दूं कि थिंकर कैसे अप्लाई करते हैं एनवायरनमेंट में, जिन लोगों ने लिखा हुआ है। तो अच्छा पहला सवाल ये है, क्या प्लेटो को पर्यावरणीय संरक्षण से आप जोड़ सकते हैं? प्लेटो को जोड़ सकते हैं? नहीं। कौन जोड़ सकता है कौन नहीं? अब देखिए मैं तरीका को बता दूं, आपको लगता है कि थिंकर हमने पढ़ लिया उसका इससे के लिए उपयोग नहीं होगा, थिंकर का ही इससे के लिए उपयोग होगा। और अगर आप थिंकर के विचार का, अच्छा वेलकम वेलकम, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैठ जाओ लो। हम पूरी क्लास की तरफ से राहुल का हार्दिक स्वागत करते हैं। और चूंकि हमने पूरी क्लास में शुरू से राहुल की इतनी तारीफ कर ली है कि मुझे इनके सामने तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपको राहुल ही बताएंगे। और हमने फिर कहा कि आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो आप अब इनकी बात सुनिए। मैंने किसी तरीके से इन लोगों को 1.5 घंटे एंगेज रखा है। हेलो हेलो, ये सर आपका सिस्टम जो है ना, ये थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा मुझे लगता है, आज भी वैसा भी हूँ। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। सबसे पहले तहे दिल से मैं क्षमा याचना करता हूँ कि मैं 1.5 घंटा लेट हो गया, मतलब ये मिस कम्युनिकेशन था मेरे साइड से, गलती मेरी थी। सर ने सही टाइम कम्युनिकेट किया था, बट मेरे माइंड में 11 बजे था, तो मैंने उसी हिसाब से आज का दिन प्लान किया था। तो जैसे ही सर का फोन आया और मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, 9:30 बज रहे थे, तो मैंने कहा सर मैं भाग के आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार आपने, चूंकि मैं मानता हूँ कि इस जिस फेज में आप लोग हो, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, तो 1.5 घंटा मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मैं उस चीज को रिपेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो 1.5 घंटा आपने वेट किया वो व्यर्थ ना हो। तो एक बार फिर से पूरे सदन को मेरी ओर से क्षमा याचना। ठीक है, तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, सर ने दिया होगा लेकिन फिर भी। गुड मॉर्निंग, अरे ठंडे नहीं होना यार, गुड मॉर्निंग, गुड। मुझे लगना चाहिए यार कि अभी अभी 1.5 घंटा भी बैठो लेकिन एनर्जी बनी हुई है। मेरा नाम राहुल दोटे है, IAS 17 बैच, 2016 वाला एग्जाम दिया था, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ मैं भी, और 10 तक मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा में एक सौसर तहसील है, वहाँ 10 तक मैं पढ़ा हूँ। 11th 12th और इंजीनियरिंग मैंने इंदौर से की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। देन मैं दिल्ली आया आप लोगों जैसे ही, ऐसे ही खूब सुना और सर से मिला और 2016 में सिलेक्ट हो गया। मेरा मीडियम हिंदी था और साथ में ऑप्शन मिला पॉलिटिकल साइंस का। अब मैंने बेसिक क्यों बताई, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम वाले कितने इसमें हाथ खड़े करो, ओहो हो क्या बात है, आजकल ये हाथ दिखते नहीं है, कम हो गए हैं, अच्छी बात है।